हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हमारे दो तीन दिन से ना हमारे यहाँ पास में ना मेरे को जस्ट घर के सामने ही तो शादी है, तो शादी में बार बार जाना और मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है कि वीडियो बनाऊँ, क्योंकि आजकल खाना वाना भी उन्हीं के यहाँ हो जाता है और वैसे भी बार बार जाना पड़ रहा है। जैसे अगर शाम का खाना है तो अभी दिन में कुछ है तो फंक्शन छोटे छोटे से हमारे यहाँ होते ही रहते हैं, तो उसकी वजह से बार बार उनके यहाँ जा रहे हैं तो वो पूरा डिस्टर्ब सा हो जा रहा है, तो मैं नहीं बना पा रही हूँ। और ये देखो, अब मैं आपके साथ एक रेसिपी शेयर कर रही हूँ। और फ्रेंड्स, मेरा बर्थडे गया है कल और ये व्लॉग शायद मैं नेक्स्ट डालूँ उससे भी, तो मेरा बर्थडे चला गया और मैंने अपने बर्थडे में कुछ खास कुछ नहीं किया, बच्चों की तरफ से ही रहा। मैं तो बिल्कुल भी सेलिब्रेट नहीं कर रही थी। मैंने कहा वो एक्चुअली क्या है ना, उनके यहाँ शादी थी तो खाना वगैरह होने क्या था, मेहंदी थी उनके यहाँ, तो इसलिए मैं कुछ भी सेलिब्रेट नहीं कर रही थी। बट बच्चों ने एक केक लाए और शाम को जब उस दिन मैंने कुछ भी नहीं किया अपनी शाम को वहाँ जाने की, बस ऐसे ही जल्दी जल्दी दिन भर में कुछ, आपको पता ही है बारिश का मौसम है तो कहीं कपड़े यहाँ सुखाओ कहीं वहाँ सुखाओ, इन कामों में छोटे छोटे काम जो घर के होते हैं डेली रूटीन मैं उनमें लगी रही तो टाइम मिला नहीं। शाम को वहाँ जाना भी था, बार बार जा भी रही थी, तो ऐसे करके ना मेरा बिजी शेड्यूल रहा बहुत, उसमें मैंने कुछ अलग से भी कुछ नहीं किया, तो इसलिए मैं कुछ ब्लॉग अपने बर्थडे में कुछ नहीं कर पाई। और बस शाम को एक केक बच्चे लाए थे और एक केक मेरी देवरानी लाई थी, मतलब देवर का बेटा लाया था, वो भी बहुत छोटा सा है तो वो लेके आया था कि ताई जी का बर्थडे है और क्या बोलते हैं चलो केक लेके चलते हैं, तो बस वो लोग आए और हमने केक काटा, बस हो गया बर्थडे। और फिर खाना खाने उनके यहाँ चले गए, बल्कि मुझे अच्छा सा नहीं लगा, मेरी देवरानी भी आई हुई थी और खाना अभी उनको भी नहीं खिलाया हमने, क्योंकि हम वहाँ जा रहे थे, उन्होंने कहा नहीं तुम चले जाओ और हम तो अभी घर जा रहे हैं और सब्जी बना के आ रखे हैं, रोटी डाल देंगे जाके, कोई बात नहीं रहने दो। वो सरप्राइजिंग था सबका ही, कुछ मुझे पता भी नहीं चला ना एक तो इसलिए। और देखो मैं अब डाल रही हूँ इसमें तेज पत्ता सबसे पहले और दो तीन साबुत मिर्च। आज मैं अरबी की सब्जी बनाऊंगी। देखो मैंने अरबी चॉप करके बॉईल करके चॉप कर दी, उस कट कर दी, और ये मैंने ढेर सारा धनिया काट रखा है देखो उसके लिए, और ये मैंने चॉप कर लिया है। इसमें है हरी मिर्च, टमाटर, प्याज, और ये देखो ये थोड़ा सा लहसुन है, आपको दिखा दूँ, ये मैं कट करके इसमें डालूंगी। ऐसे काटने से ना इसका टेस्ट नहीं आता अगर मैं इसमें चॉप कर देती तो हर एक चीज़ को बनाने का एक अलग अलग तरीका होता है, हो सकता है मुझसे भी अच्छा कोई बनाता हो। तो देखो मैं अब डाल रही हूँ इसमें ज़ीरा और थोड़ी सी डालूँगी मैं राई, तो ये देखो अभी दिखाती हूँ चलो आपको, ठीक है। देखो ये डाल रही हूँ मैं थोड़ी सी राई, और मैंने गैस का फ्लेम कर रखा है बिल्कुल लो, देखो मैं आपको दिखा दूँ मेरा गैस का फ्लेम बिल्कुल लो है, क्योंकि ना मसाला ना जल जाता है उससे, तो इसको थोड़ा क्रिकल होने देते हैं। इसके बाद डालेंगे इसमें लहसुन और अदरक जो हमने कटिंग कर रखा है। मेरे को ना नाइफ नहीं दिया, ये देखो मैं ना लहसुन इसमें डायरेक्ट ही कट करके डाल रही हूँ, मैंने कटिंग की नहीं थी। एक्चुअली क्या है ना, हम आज भी उनके यहाँ बारात में गए, अभी दिन में उनकी बारात थी तो आज भी दिन में हम बारात में गए, तो फिर वहाँ से थोड़ा बहुत टाइम तो लग ही जाता है, फिर ना कहीं जाओ आओ फट जाते हैं। वैसे कभी जैसे हील वाले मैं बहुत कम पहनती हूँ, साड़ी में ही पहनती हूँ जो सैंडल्स पहनती हूँ, तो आज मैं उनको पहन के रखा ना तो मैं थक गई। बस घर में फिर मैं मम्मी आ गई उनके साथ उधर घूमने चली गई, पैदल चल के दोबारा से थक गई मैं, क्योंकि मैंने पहले हील वाले पहने थे तो मेरे पैर में ऑलरेडी दर्द हो रहा था, तो मम्मी आई थी वहाँ तक चलते हैं चल घूमने, उन्हें साथ चलो, मैंने कहा यार बोलेंगे मेरे साथ गई मैंने चली गई, तो वो खेत की तरफ से जाना था मैंने, तो इसलिए वहाँ गए एक्स्ट्रा हो गए। बढ़िया चीज़ है, मतलब जिसने भी इतना दिमाग लगाया होगा ना बहुत बढ़िया, इससे बढ़िया मसाला बनता है एकदम, मिक्सी की जरूरत नहीं है, लाइट की कोई टेंशन नहीं, तो
और अपना वैसा बन जाता है, जैसे ज्यादा पेस्ट बन जाता है ना मिक्सी में, जिसमें दरदरा सा पीसता है तो उसका टेस्ट अलग आता है। और जैसे अगर हमें बिल्कुल ही बारीक पीसना है, किसी किसी रेसिपी में चाहिए होता है तो उसमें मिक्सी का यूज कर सकते हैं। अभी देखो मेरा मसाला हुआ नहीं, अदरक मेरा अभी कच्चा है तो तब तक वेट करते हैं। मेरे डॉक्टर लीजा को भी भूख लग रही है, उनको भी खिलाना है खाना। अब ये हो चुका है, अब मैं इसमें ये डालूंगी। देखो जो मैंने ये हरी मिर्च प्याज टमाटर वगैरह डाले थे, कई बार हम कुछ और नहीं होता ना, जैसे अदरक वगैरह ना हो और लहसुन हमारा खिला हुआ नहीं है और हमें बनाना है, तो इसमें ही टमाटर प्याज को ग्रेट करके डालूंगी तो बहुत अच्छा सा एक टेस्ट आ जाता है। ये मैंने खुद ट्राई करके देखा है, मुझे बढ़िया लगा है। अब हम इसको थोड़ा सा चलाएंगे। अभी मैंने गैस का फ्लेम ना लो ही कर रखा है, तो फिर अपने स्पाइसेस में भी ऐड करूंगी। ये जो हमारे रेगुलर मसाले हम खाते हैं, जैसे नमक अपने टेस्ट के अनुसार, थोड़ा सा हम मीडियम से ही खाते हैं, ज़्यादा तेज नहीं। और धनिया पाउडर, जीरा पाउडर आप इसमें डाल सकते हो, अमचूर पाउडर भी डाल सकते हो, जो भी आपके पास स्पाइसेस हो आप उनका अच्छे से यूज कर सकते हो। डाल रही हूँ उसमें थोड़ी सी देगी मिर्च, क्योंकि तो हम वैसी वाली मिर्च तो कम ही खाते हैं, तो इस ये ना मिर्च है तो मिर्च पर लगती कम है, तो इसलिए मैं इसका यूज करती हूँ। और इसमें थोड़ा कलर भी आ जाता है सब्जी में थोड़ा सा। अभी हम अपने गैस का फ्लेम कर देंगे फुल, अगर हम यहीं पे खड़े हैं तो। अगर हम इधर उधर जाना है तो आप लो में ढक के पका सकते हैं इसको आराम से 5-6 मिनट के लिए, ठीक है। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि उससे अच्छे से पक जाए और नीचे से मसाला चिपके ना, जले ना, कुछ नहीं होगा। इसके साथ हम दूसरा काम भी कर सकते हैं, तब तक हमारा मसाला बन रहा है तब तक मैं लगाती हूँ आटा। देखो फ्रेंड्स, अब हम इसमें डालेंगे लहसुन और अदरक, मैंने लंबा लंबा काटा हुआ है, तो लहसुन को मैं डायरेक्ट ही देखो कढ़ाई में काट के डाल रही हूँ। आज मैंने इसको मतलब पीसा नहीं है, और क्योंकि ना इसमें जो है ऐसे ही अच्छा लगता है, हर किसी चीज़ में पीसना भी अच्छा नहीं लगता और हर किसी चीज़ में कटा हुआ भी अच्छा नहीं लगता, तो इसमें ना कटा हुआ ज़्यादा अच्छा लगता है अरबी की सब्ज़ी में, जब उस मतलब थोड़ा सा ब्राउन हो जाता है और उसके बाद वो खाते वक्त मुँह में आता है ना, तो उसका टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। तो मैं इसमें ना लंबे लंबे जो अदरक मेरे थे उनको भी मैंने थोड़ा सा काट के तब डाला, और प्याज हरी मिर्च और टमाटर को देखो मैंने ऐसे चॉप कर रखा है, तो ये भी मैं जब फ्राई हो जाएंगे तो तब इसमें ऐड करूँगी। और मैंने अरबी को देखो बॉईल मतलब बॉईल करके छील के और कट करके रखा हुआ है, और साथ में रखा हुआ देखो हरा धनिया और कुछ अपने स्पाइसेस जो रेगुलर स्पाइसेस हम ऐड करते हैं वो। और अब मैंने निकाला अपना पलटा और मैं लेके आई हूँ एक गिलास में पानी, ताकि जो मैं मसाला डालूँ ना तो मसाला फिर एकदम से ना चिपकने लगता है कढ़ाई में, तो जैसे ही उसमें अपने स्पाइसेस को हम ऐड करेंगे और उसके बाद थोड़ा सा छोड़ेंगे ना तो वो एकदम चिपकने लगता है। तो उसमें क्या होता है, उसका बेस्ट ऑप्शन है कि थोड़ा सा पानी ऐड कर दो, तो पानी ऐड करने से वो थोड़ा लेट पकड़ती है कढ़ाई को मसाला, तो उससे उसको बनने का टाइम मिल जाता है अच्छे से। देखो अब मैंने ये सारा जो मसाला इसमें ऐड किया है इसको अच्छे से चला दूंगी, और चलाने के बाद अब मैं इसमें देखो अपने स्पाइसेस को ऐड कर रही हूँ, नमक मिर्च और हल्दी
मसाला, गरम मसाला। ये मैं गरम मसाला इसलिए ऐड करती हूँ, ये मेरा होममेड है, मैं खुद बनाती हूँ। तो इसमें मैं ऐसा नहीं है कि जैसे मार्केट से लाओ ना खुला मसाला, तो उससे क्या होता है कि उसमें वो धनिया धनिया या ज़ीरा ज़ीरा सब पीस के रखते हैं, खड़े मसाले कम डालते हैं। और लास्ट में मैंने ऐड की है देगी मिर्च, उससे क्या होता है मिर्च नहीं लगती पर कलर अच्छा आ जाता है, और मिर्च बहुत कम लगती है। तो मैंने गैस का फ्लेम अभी बढ़ा दिया है और मैं इस मसाले को अच्छे से चलाते हुए इसे भून लूँगी और थोड़ा सा इसमें पानी डालूंगी देखो, ताकि चिपके ना, और मैं इसे थोड़ी देर के लिए ढक दूँगी, और ढक के इसे मैं 3-4 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। देखो फ्रेंड्स, मैं ना अपना पार्लर में दूसरा काम कर रही हूँ, आटा छान रही हूँ और आटे को गूंदूंगी। मैंने उसके लिए ना गर्म पानी लिया है। देखो मैं अक्सर सब्जियों में भी जो यूज़ करती हूँ ना, वो गर्म पानी ही मैं यूज़ करती हूँ, उससे जो सब्ज़ी का कलर होता है ना वो सेम बना रहता है, चेंज नहीं होता। वरना ठंडा पानी डाल दो ना तो सब्ज़ियों का कलर में चेंज हो जाता है थोड़ा, जैसे थोड़ी ग्रीन से थोड़ा डल सा नेस हो जाता है, इसलिए मैं नहीं यूज़ करती। और मैं अपने मसाले को भी बीच बीच में चला रही हूँ, और मैंने अभी गैस का फ्लेम भी थोड़ा लो मीडियम किया हुआ, ताकि मैं अपना दूसरा काम भी कर सकूँ और मसाला अच्छे से पक जाए। और जब मसाला चारों तरफ से ऑयल छोड़ने लग जाता है ना, तो इसका मतलब है कि मसाला पूरी अच्छी तरह से पक चुका है। तो आटा देखो मैं खड़े खड़े मसल रही हूँ, साथ साथ में ये सोचती हूँ ना कि दूसरा काम भी हो जाए और खाना भी बनता रहे इधर। तो ये देखो, और मेरी आई साइड वीक है इसलिए मैं चश्मे का यूज़ करती हूँ, और ज़्यादातर मेरे सर में आपने देखा ही होगा वीडियो में लगा ही रहता है, बहुत कम होता है कि जो मैं हटाती हूँ, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है जब मुझे ज़रूरत नहीं होती तो हटा लेती हूँ, वरना वैसे मैं लगा के ही रखती हूँ ज़्यादातर। और वो सिर में रहता है ना तो ईजी होता है कि जैसे ही बाहर या टीवी वगैरह देखो तो तुरंत उसे नीचे कर लो, वरना तो स्पेशल ले कर आना पड़ता है, हम बाहर हैं चश्मा अंदर है, तो उससे भी थोड़ा दिक्कत होती है मेरे को ना, तो इसलिए मैं साथ में ही रखती हूँ अपने। मेरे को मेरी एक्सीड बहुत वीक है, मुझे बहुत दिक्कत होती है। और देखो मेरे मसाले ने ना ऊपर ऊपर से देखो कितना ऑयल छोड़ दिया ना अपना, और इधर मेरा आटा भी गूंद के रेडी हो गया। देखो ये देखो, अभी मैं इसको साफ़ कर दूँगी। देखो सारा साथ साथ क्लीन करते चलती हूँ मैं, बाद के लिए मैं कुछ नहीं छोड़ती हूँ, क्योंकि बाद में देखो फ्रेंड्स मेरा ना ये मसाला आपको दिख ही रहा होगा, देखो इसने बिल्कुल चारों तरफ से ना ऑयल छोड़ दिया है ये देखो, इतना बढ़िया भुना है ना ये, क्योंकि मैंने इतनी देर आटा गूंदा ना, ये अच्छे से भून गया। तो इसमें ऐड करेंगे अब अपनी ये अरबी, मैंने बॉईल करके और पीस काट के रख ली है इसके। और अब हम इसको अच्छे से मसाले के साथ कोट कर देंगे, और थोड़ी देर अब इसको ढक देंगे, हम 5 मिनट के लिए अप्रॉक्स हम इसे ढक देंगे। ढकने से क्या होगा, ये बॉईल है, मसाला पक चुका है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें कुछ गलना है, बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसे ढक देंगे, तो ये है कि मसाला इसके अंदर तक चला जाए, बस कोई हमें इसे गलाना नहीं है, कुछ नहीं करना है, बस लो फ्लेम पे ढक के इसका मसाला अरबी में अंदर चला जाए। अब मैं इसको ढकती हूँ। देखो फ्रेंड्स, अब सब्जी मेरी बन रही है, दूध मेरा गर्म हो चुका है ये, और अब मैं अपने लिए बना रही हूँ चाय। देखो हम ना दूसरी एक चाय आती है उसका यूज़ करते हैं, हर्बल लाइफ की आती है ये, तो इसको एफ्रेश के नाम से जानते हैं, बहुत सारे लोग यूज़ करते होंगे तो उनको मालूम होगा। बस इसको ये होता है ना, इसके अंदर एक चम्मच आता है, ये छोटी सी डब्बी है देखो, और हाँ इसमें एक अंदर ही चम्मच आता है, और उससे मेज़र करके हम एक एक चम्मच ग्लास में डालते हैं, और तेज़ गर्म पानी जितना हम पी सकते हैं मतलब चाय की तरह का, तो वो पानी हम अपने ग्लास में डाल देते हैं ऊपर से, तो वो हमारे लिए बन जाती है चाय। तो इसको वेट लूज़ में पीते हैं, ताकि हमारा वेट थोड़ा कम हो, हम ना अननेसेसरी वेट बढ़ता जा रहा दोनों ही जने। तो अभी बच्चों के लिए भी देखो साथ साथ में दूध बना रही हूँ, क्योंकि अभी दूध गर्म ही है ना, वरना दोबारा गर्म करना पड़ेगा। और हमारे यहाँ बच्चों को दूध देने का टाइमिंग ना यही है, बस 6 से 7 बजे तक पीते हैं बच्चे दूध, हम खाना लेट ही खाते हैं ना, तो इस समय पीते हैं। देखो बॉर्नविटा डाल रही हूँ, और वो छोटा वाला भी कह रहा है मेरे लिए भी बनाओ, तो अभी उसको भी दूँगी। अभी मैं पहले अपने लिए और इनके लिए चाय ये बनाई है,
तो ये मैंने इसके डैडी की भिजवा दी, अपने भी भिजवा दी वहीं पे बैठ के, हीटर के सामने बैठ के हम पीते हैं ना, तो इसलिए। और ये देखो दोनों लोग बॉर्नविटा ही पियेंगे, वरना ये कॉफ़ी पीता है वो बॉर्नविटा पीता है, तो मेरे लिए अलग अलग बनाती हूँ मैं दोनों का। ये देखो तो अभी इनको भी साथ साथ मैं दे दूँगी। और खाना बनाने का टाइमिंग तो अभी हमारा थोड़ा लेट ही होता है, हम 8 साढ़े 8 बजे के करीब रोटी बनाते हैं। बस मैं थोड़ी रोटी बना देती हूँ पहले ही, मतलब हमारा एक सर्वेंट आता है उसके लिए और अपने कुत्तों के लिए ना, रॉकी लीजा के लिए, उनको पहले ही खिला के उन्हें घुमा फिरा के उन्हें बंद कर देते हैं हम, तो उसके बाद मैं अपने लिए डालती हूँ। तो हम लोग तो अंदर ही अंदर हैं तो देर में डालते हैं, जैसे अब ये लोग भी दूध पी रहे हैं ना, तो अभी इतनी जल्दी कहाँ फिर भूख लगेगी, तो लेट में ही वो करेंगे। ये मेरे दिन के चावल है, मैंने पानी का छीटा हल्का सा, देखो ये डगाया, और मैं इनको गर्म होने के लिए रख रही हूँ। तो ये ऐसे हो जाते हैं जैसे बिल्कुल अभी बनाए हैं, तो ये दिन के हैं तो इन्हें गर्म होने के लिए रख रही हूँ, अगर कोई लेगा तो चलेंगे ये अभी। देखो फ्रेंड्स हमारी सब्ज़ी बनके बिल्कुल रेडी है, और अब हम इस पर डाल रहे हैं हरा धनिया। इतनी बढ़िया बनी थी ना, मतलब बच्चे खा रहे थे, शाम को बच्चे ही खाते हैं, हम दोनों तो खाते नहीं, तो बोल रहे थे बहुत बढ़िया बनी है मम्मी। और मैं साथ साथ में डाल रही हूँ रोटी। देखो फ्रेंड्स सब लाया अपनी प्लेट में खाना, और डायरेक्ट प्लेट में ले आया देखो सब्जी, कोई बात नहीं बच्चा है। तो इसी के साथ आज का व्लॉग हम यहीं पे एंड करेंगे। आपको आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए।